सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का प्रश्न विवादास्पद एवं जटिल बना हुआ है। इस परिपक्व एवं विकसित सभ्यता के उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, द्रविड़ों द्वारा स्थापित। अनेक विद्वान इस सभ्यता को द्रविड़ों द्वारा स्थापित मानते हैं। इस संबंध में निम्न प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रथम, सिंधु लिपि द्रविड़ लिपि से मिलती जुलती है। दूसरा, द्रविड़ों के धार्मिक क्रियाकलाप जैसे लिंग योनि की पूजा, मातृ देवी की उपासना आदि भी सिंधु सभ्यता की भी मुख्य विशेषता थी। तीसरा, प्रजातीय दृष्टि से भी दोनों में समानता है, लेकिन इस विचार को स्वीकार करने में कई कठिनाइयां भी हैं। दोनों में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि जहां द्रविड़ों की सभ्यता ग्रामीण थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। अतः इस आधार पर सिंधु सभ्यता को द्रविड़ों द्वारा स्थापित नहीं माना जा सकता है। दूसरा, आर्यों द्वारा स्थापित। कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का संस्थापक आर्यों को माना है। उनका कहना है कि ऋग्वेद से पता चलता है कि आरंभिक आर्य सब सिंधु प्रदेश में ही रहते थे, जिन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया, लेकिन यह तर्क अत्यंत कमजोर है। आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचार सिंधु सभ्यता से इतने अधिक भिन्न है कि उन्हें सिंधु सभ्यता का संस्थापक नहीं माना जा सकता है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। आर्य लेखन कला से अपरिचित थे, जबकि सिंधुवासी लिखना जानते थे। आर्यों का आगमन सिंधु सभ्यता के पतन के बहुत पश्चात हुआ था। किसी भी दृष्टि से आर्य सभ्यता के संस्थापक नहीं थे। तीसरा, विदेशियों द्वारा उत्पत्ति। अनेक देशी एवं विदेशी विद्वान जैसे कौशंबी, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड आदि का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण हुआ। गार्डन का तो यहाँ तक मानना है कि स्वयं मेसोपोटामिया के निवासी बलूचिस्तान आए और बाद में नगरीय सभ्यता की स्थापना की। इस विचारधारा के विद्वान अन्नागार, गढ़ी, बुर्ज, जिगुरेट आदि में मेसोपोटामिया के प्रभाव का उल्लेख करते हैं, लेकिन दोनों सभ्यताओं में कई मूलभूत अंतर भी देखने को मिलता है। जैसे प्रथम सिंधु सभ्यता में पकाए गए ईंटों का, जबकि सुमेरियन सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। दूसरा, हड़प्पा लिपि में 400 चिन्ह थे, जबकि सुमेरियन लिपि में 900। इसके अतिरिक्त दोनों के नगर निर्माण योजना, धार्मिक दृष्टिकोण, मृत भांडों एवं मोहरों की बनावट आदि में इतना अधिक अंतर है कि मेसोपोटामिया को हड़प्पा सभ्यता का जनक नहीं माना जा सकता है। चौथा, ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों के योगदान। अनेक विद्वानों का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विकास में ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों का मुख्य योगदान था। फेयर सर्विस के अनुसार इस सभ्यता का विकास पश्चिम से पूरब की ओर 5 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में सीमित कृषि एवं पशुपालन का कार्य होता था। इसके प्रमाण किली, गुल मोहम्मद, राना घुंडे आदि स्थानों से मिले हैं। दूसरे चरण में उन्नत कृषि एवं ग्राम्यता का विकास हुआ। इस चरण में कृषि पर पहले से की अपेक्षा अधिक बल दिया जाने लगा। मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। तांबे का व्यवहार भी आरंभ हुआ। तीसरे चरण में स्थायी एवं विकसित ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हुआ। इस चरण में अनेक विद्वान मानते हैं कि किसान सिंधु घाटी के जलोढ़ मैदान में बसने लगे। कृषि क्षेत्र का अत्यधिक विकास होने के कारण गांव की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस चरण में मिट्टी के बर्तन पर हड़प्पाकालीन चिन्ह मिलते हैं, अतः इस काल को आरंभिक हड़प्पा काल भी कहा जाता है। इसके प्रमाण कुलीनाल, आमरी, मोहनजोदड़ो, सोथी एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चतुर्थ चरण नगरीकरण का काल था। अधिशेष का उत्पादन एवं आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ने के प्रमाण मिले हैं। इसके फलस्वरूप अनेक नगरों का विकास हुआ। इसके प्रमाण दक्षिण अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात से मिलते हैं। मेसोपोटामिया के साथ संबंधों का भी स्पष्ट प्रमाण इसी समय मिला है। पांचवें चरण में आर्थिक पतन आरंभ हो गया। बलूचिस्तान के अधिकांश गांवों का परित्याग वहां के निवासियों ने कर दिया। केवल बड़े गांवों में ही आबाद रहे। नगरीय सभ्यता के ह्रास के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। इस प्रकार फेयर सर्विस का विचार है कि हड़प्पा संस्कृति का विकास ईरानी बलूची ग्राम संस्कृतियों के विकास एवं उसके भारतीयकरण के कारण हुआ। रोमिला थापर भी इस सभ्यता के विकास में कुलीनाल संस्कृतियों का योगदान मानती हैं। पांचवा, भारतीय उद्गम। अनेक विद्वान इस सभ्यता का उद्गम एवं क्रमिक विकास भारत में ही मानते हैं। इस संबंध में कई प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। उनका कहना है कि राजस्थान के सोथी एवं कलीबंगा में जो प्राक हड़प्पाकालीन मृदभान मिले हैं, वे हड़प्पाकालीन मृदभान से मिलते जुलते हैं। सुरकोटडा में भी कालीबंगा के प्रथम चरण तथा सिंधु सभ्यता के बर्तन साथ साथ मिले हैं। राजस्थान के गणेश्वर में जो प्राक हड़प्पाकालीन ताम्र उपकरण मिले हैं, ये सिंधु सभ्यता के उपकरण से मिलते जुलते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार विभिन्न मतों की समीक्षा करने के पश्चात एक निष्कर्ष निकालना संभव हो जाता है। या तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आर्यों एवं द्रविड़ों की सभ्यता का संस्थापक कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विदेशियों ने भी इस सभ्यता की स्थापना नहीं की। यही तर्क अधिक प्रभावशाली जान पड़ता है कि सिंधु सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ।
धीरे धीरे ईरानी बलूची संस्कृतियों का पूर्व की ओर विकास एवं इनका भारतीयकरण हुआ। इन्होंने प्राग हड़प्पाकालीन संस्कृति के साथ मिलकर सिंधु सभ्यता का विकास किया। वास्तव में इस सभ्यता के विकास में कई तत्वों ने योगदान दिया। सिंधु प्रदेश के जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी एवं पर्याप्त वर्षा के कारण इस प्रदेश में अन्न उत्पादन काफ़ी अधिक होने लगा। अधिशेष का उत्पादन होने से आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि हो गई और नगरों का विकास आरंभ हुआ। सतत वाहिनी सिंधु एवं सहायक नदियों एवं तटीय स्थिति के कारण आर्थिक एवं बाह्य व्यापार आरंभ हुआ। अपने विकासशील मस्तिष्क का सहारा लेकर सिंधु वासियों ने सुमेर से भी अधिक उन्नत नगरों का निर्माण किया। उपयुक्त जलवायु ने उनके कार्य को और भी अधिक सुगम बना दिया। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईरानी बलूची एवं प्राग हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के लोगों ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया। आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की भी चर्चा कर लेते हैं। उत्खननों से प्राप्त स्थलों से स्पष्ट है कि इस सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में था। भारत में इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में था। भारत में इसके मुख्य स्थल रोपड़, बनवाली, आलमगीरपुर, कालीबंगा तथा लोथल आदि हैं। पाकिस्तान में इसके केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, डेरा इस्माइल खां आदि हैं। इस प्रकार इसका विस्तार पश्चिम से सुतका गेंडोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर तक है। इसकी दूरी 1600 किलोमीटर है। उत्तर में रहमानढेरी से लेकर दक्षिण में भगतराव तक था। इसकी दूरी 1400 किलोमीटर है। इसका विस्तार मिस्र एवं सुमेरियन सभ्यता से भी अधिक था। अनेक स्थलों से प्राप्त अवशेषों में न केवल समानता है बल्कि एकरूपता भी थी। अगर आप YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आप इसे Facebook में देख रहे हैं तो इसे लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। धन्यवाद।